अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग दोस्तों? डॉलर रेट भी कुछ नीचे आ गया है और गोल्ड रेट भी कुछ नीचे आ गया है, 2 लाख के लगभग है। और लोग परेशान होंगे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर ली होगी, तो लिहाजा मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दूं, आपके फ़ायदे के लिए है। तो इससे पहले कि मैं बात शुरू करूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रोज़ाना रेट्स आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ। बहरहाल, सोने का रेट कुछ कम होगा, लोगों ने लेकर रखा होगा ले, और वो परेशान होंगे कि काफ़ी हद तक तकरीबन 10-12 हज़ार रुपये नीचे है, तो उनको परेशानी होगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको परेशान नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान का अभी IMF से मुआहदा नहीं हुआ, बस तकरीबन होने वाला है, समझे हो गया है, इस तरह ही समझ लीजिए, लेकिन अभी फाइनलाइज नहीं हुआ। तो वक्त के साथ IMF की शराइत को जो मानना पड़ेगा, उसमें बहुत सारी महंगाई, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तब्दील होंगी, और सोने का रेट भी यकीनन ऊपर जाएगा, और डॉलर को भी इनको जो है वो एक ऐसी स्टेज पर लाना पड़ेगा जहां पर जो एक्सपोर्ट है हमारी वो बढ़ सकें। तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको होल्ड करने की अगर पावर रखते हैं तो आप इसे होल्ड कीजिए ताकि आप नुकसान से बच सकें। सोना है वो एक ऐसी ऐसा एसेट है जिससे आप कभी परेशान नहीं हो सकते। इसकी कीमत पाकिस्तान में तो कम से कम बढ़ने ही बढ़नी है। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।